And in this video we will do question number 1 2 3 and 4 of exercise 10.3. so let's start the video. So before going to the question, you need to know some basic definitions. So the first one is straight angle. An angle which is equal to 180 degree is called straight angle. Here you can see a straight line, and a straight line always measure 180 degree. If you place a protractor on the straight line, it will measure 180 degree, and this straight line can be divided into one, two or more angles. But the sum of these angles is always equal to 180 degree, and these are also called the supplementary angles. These angles may be either above the line or maybe below the line. So the definition of supplementary angle is, if the sum of angle is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. So now let's start the question number 1. And question number 1 is, find the value of unknown angles. ये आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है. स्ट्रेट लाइन पे आपको एक एंगल नजर आ रहा है 126 डिग्री, और ये एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो हम पार्ट वन अब देखते हैं. तो आप स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के. तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, एक्स प्लस 126 डिग्री, और ये इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहेंगे. अब आपको पता है कि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है, 126 को आप दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे, तो अगर यहाँ पे एक साइड पे वो ऐड हो रही होती, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 54 डिग्री आंसर आ जाएगा. पार्ट टू देखें. पार्ट टू भी ऐसे ही, आपके पास दो वैल्यूज गिवन है और एक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है x की. तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, x प्लस 47 डिग्री प्लस 41 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है. उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 88 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये 180 वैसे का वैसे ही आ जाएगा. अब आपने ये जो 88 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे अगर ये ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 92 डिग्री आ जाएगा. थर्ड पार्ट देखें. थर्ड पार्ट पर देखें, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल आपको गिवन है 42 डिग्री, और ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है. पर यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर स्केयर भी नजर आ रहा है, तो ये स्केयर शो कर रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री भी है. तो इस तरह आप इसकी एक इक्वेशन सी बना रहे हैं, x प्लस 42 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है. तो सेम ऐसे ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, 42 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो 132 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा. अब आपने 132 डिग्री को दूसरी साइड पर लेके जाना, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू जो उनकी है फाइंड आउट करनी है. तो आप दूसरी साइड पर ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास 48 डिग्री आंसर आ जाएगा. Now question number 2 is, the measurement of two angle is 89 degree and 107 degree. दो angles आपके पास हैं, एक 89 और एक 107 है. Do these angles form a straight line? अगर इन दोनों जो angle को मिलाया जाए, इनका सम लिया जाए, तो क्या ये straight line बनाते हैं? तो आपको पता है कि straight line जो सी है वो 180 degree के equal होती है. तो आप इनको plus करके देखें, 107 और 89 को आप plus करेंगे तो 196 degree बनते हैं, जबकि straight line जो सी है वो 180 degree के equal होती है. तो 107 और 89 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फोर दीज टू एंगल्स डू नॉट मेक स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन नंबर 3, द मेजरमेंट ऑफ फोर एंगल्स. आपके पास फोर एंगल्स आपको दिए गए हैं, 83 डिग्री, 142 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री. विच थ्री एंगल्स ऑफ दैम फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. इनमें से कौन से तीन जोन से हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे? तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जोन सी है वो ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री है. तो आप तीन एंगल्स को प्लस करके आपने 180 डिग्री बनाना है. तो अगर आप इनको प्लस करेंगे, 83 डिग्री, 63 डिग्री, 34 डिग्री, तो ये 180 बन जाएंगे. जबकि अगर आप 142 के साथ कोई दो प्लस करेंगे तो वो हमेशा उसका आंसर 180 से अबव होगा. तो एंगल्स 83, 34 एंड 63 मेक अ स्ट्रेट लाइन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स. ये आपको तीन फिगर्स दी गई हैं और आपने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आपने अनोन एंगल फाइंड आउट करनी है. सो हम इसका पार्ट वन देखते हैं. पार्ट वन देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड्स पे आपको एंगल्स दिए गए हैं. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एंगल दिए गए इनका सम भी 180 डिग्री होगा. तो आप क्वेश्चन 1 की तरह एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एक्स प्लस 48 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे आप पहले लिख लेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 48 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. माइनस होने के बाद 132 डिग्री आंसर आ जाएगा. इसी तरह आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y प्लस 145 डिग्री और 180 डिग्री. अब आप 145 डिग्री को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास 35 डिग्री आंसर आ जाएगा. पार्ट टू इसका देखें, सेम उसी तरह आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप इस तरह लिखेंगे, अब 123 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे,
और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 89 से, तो एक्स आपके पास आ जाएगा 57। और अब आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 137 को 189 से माइनस करेंगे तो 43 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट, इसमें भी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दोनों साइडों पर आपको एंगल्स दिए गए हैं, और स्ट्रेट लाइन का जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो आप सेम वैसे आपने पहले किया वैसे आप इसको बना लिख लेंगे, और 165 को माइनस करेंगे 180 से तो आपके पास एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब वाई प्लस 24 के लिए 180 डिग्री लिखेंगे, और फिर आपने 180 में से 24 को माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास 156 डिग्री आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक।